अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट भी वही ज़रूर कर देना। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है टाइम पास, कैरम बोर्ड खेला जा रहा है भाई, हम लोग कैरम खेल रहे हैं। केशव, नकुल, मैं, केशव नहीं खेल रहा है, हम तीनों खेल रहे हैं। केशव बस देख रहा है बैठे बैठे। तो भाई टाइम पास तो ऐसा ही होगा, शाम का टाइम है, ऐसे बज रहे होंगे 5:30 या 6 का टाइम होगा बस करीब। तो और ये वीडियो 31 मार्च की है, 31 मार्च दिन है मंगलवार, उस शाम की वीडियो है। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो भी ऐसे ही टाइम पास होता है और वैसे भी टाइम पास होता है, थोड़े लड़ाई झगड़े गुस्सा गुस्सी उसमें भी टाइम पास हो जाता है, मना मनु करते रहते हैं, मनाने में निकल जाता है फिर, ऐसा तो ऐसा भी होता है। तो और मुझे अच्छे से खेलना नहीं आता है, इनको आता है अच्छे से, देखना अभी कितने अच्छी तरीके से, मतलब गोटी पे गोटी निकालते जाएंगे। मुझे इतना अच्छी तरीके से नहीं आता, कम आता है, मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है। और नकुल को तो वो भी नहीं आता है, वो भी सीख रहा है अभी खेलना, उसे वो उसका तो तुक्का लगता है बस, कभी निशान इसे नहीं निकालता वो। और मेरा भी ऐसे ही हो जाता है कभी कभार, तुक्के से निकलती है, मुझे भी ज़्यादा अच्छे से नहीं आता खेलने, लेकिन इनको अच्छे से आता है, इनके घर में सब लोग हैं, सारे जेंट्स हैं, सबको अच्छे से खेलना आता है बस, औरतों को बहुत कम आता है वैसे तो देखा जाए तो। और यहाँ पर देखते शाम को क्या बनेगा, फिर सोच लेंगे, अभी तो टाइम है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, टाइम हो रहा है 7:30। तो यहाँ पर मेरी बन रही है रोटी, ज़्यादा नहीं बनाई, एक ही बनाई थी क्योंकि मेरा भरा हुआ था पेट और रखी भी थी, तो वो ख़त्म करी थी, फिर इन्होंने बोला कि एक रोटी और बना ला, तो मैं एक रोटी और बनाई थी मैंने। तो ये आ गए किचन में ही, दाल तो ख़त्म हो गई, मैंने कहा हाँ दाल ख़त्म हो गई, अब नहीं बची है अब कुछ भी। तो ये मुझसे बोल के गए थे कि मतलब कुछ भी हो, चटनी वटनी मिर्च वगैरह वो ले आना, मैंने कहा चलो ठीक है वही ले जा रही हूँ मैं। और दूध को, दूध भी गैस, मतलब दूध की गैस कर दी है मैंने तेज, दूध उबल रहा है मेरा यहाँ पर। और दूध मैं मंगा लेती हूँ थोड़ा ज़्यादा सा, तो दो दिन, एक दो दिन चल जाता है आराम से, मतलब डेली पहले आता था डेली, अब डेली नहीं मंगाती हूँ क्योंकि जितना कम बाहर जाओगे उतना अपने लिए अच्छा रहेगा। और इतना भी नहीं मंगा के रख सकते भाई कि 5-6 किलो इकट्ठा मंगा लो, बाई चांस बत्ती चली जाए तो भाई बिगड़ना ही है फिर तो। और वैसे घर के बिल्कुल पास में डेयरी, हमारे एक घर छोड़कर ही डेयरी है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए। और यहाँ हो जाएगी मेरी स्लिप साफ और किचन भी साफ़ हो गई है मेरी, शाम का मतलब पूरा काम ख़त्म, एक दो बर्तन है बाहर बस, ज़्यादा नहीं है, वो भी हो जाएंगे। तो चलिए फिर, गुड मॉर्निंग, ये है 1 अप्रैल की वीडियो। यहाँ पर सब्जी कट हो रही है, अब आप लोग कहेंगे सब्जी भंडारा हो रहा है क्या, या देवी वेवी पूज रही है? नहीं, ना देवी पूज रही है, ना कोई भंडारा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ये हमारे घर के खाने के लिए ही बन रही है, घर का खाना बन रहा है ये, सब लोग आज इकट्ठा बन रहा है सबके साथ में, सब लोग साथ में ही बना रहे हैं। तो यहाँ बनेगी अन्नकूट की सब्जी पूड़ी। अन्नकूट की सब्जी बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी, ये सब्जी, ये सारी सब्जियों को मिक्स करके बनती है, सारी सब्जी, सारी का मतलब कोई सी भी सब्जी हो सारी डलती है इसमें, उससे बोलते हैं अन्नकूट, अन्नकूट की सब्जी। और ये टेस्टी बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एक बार ट्राई करके देखना, तो बहुत अच्छी लगती है, पूड़ी से ही अच्छी लगती है, रोटी से नहीं अच्छी लगेगी ये, मैंने अपना बताया है भाई, मुझे तो हमारे घर में सबको पूड़ी से अच्छी लगती है, सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम में। मैंने तो टमाटर हरी मिर्च वगैरह ले ली थी काटने के लिए, क्योंकि ये भी भाई कट करने थे, और अच्छा लगेगा साथ में बनेगा खाना पीना आज तो। और आज जेंट्स लोग बना रहे हैं, औरतों की छुट्टी है आज की, और हम तो सब्जी इसलिए काट रहे हैं क्योंकि आज की सब्जियों में, अब की सब्जियों में कीड़े बहुत आ रहे हैं, तो आदमी लोग तो भाई देखेंगे नहीं, काट देंगे ऐसे ही, तो इसलिए मना कर दी थी हम लोगों ने, सब्जी हम लोग ही काटेंगे देख कर अच्छे से, और आदमियों की क्या है बड़ी बड़ी काट देते हैं वो, तो इसीलिए हमने कहा सब्जी हम कट कर देंगे। हाँ बनाना आप ही लोग, तो सब लोग मतलब आदमियों ने, जेंट्स ने ही सब्जी बनाई थी, पूड़ियाँ वगैरह भी उन्होंने ही बनाई थी, आज औरतों की छुट्टी है, आराम करने का दिन है आज का, थोड़ा बहुत किया है काम, ज़्यादा नहीं किया है। तो यहाँ पर बन रही है सब्जी, छोंक रहे हैं सब्जी को, जो एक औरत सब्जी बनाती थी आज 3-3 लोग लगे हैं सब्जी बनाने में,
एक जना डाल रहा है भगोने में, एक जना हिला रहा है और एक जने को भाई टपने टप पकड़ रखा है डालने के लिए। देखो अन्नकूट की सब्जी ही बना रहे हैं, अब जेंट्स लोगों ने ही बनाई थी। और हमारे घर में सब जेंट्स लोगों को खाना बनाना आता है खूब अच्छे से, मतलब बीवी चली जाए कोई भूखा तो रहेगा नहीं ऐसी, और कोई दे भी देता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बना के ही खाना पड़े, एक दूसरे को खाना दे भी देते हैं, लेकिन आता भी है बनाने, ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ हो जाए कोई नहीं है मतलब बाई चांस, तो बना के खा भी लेते हैं और खिला भी देंगे। हाँ तो हमें मतलब ज़्यादातर हलवाई की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, घर में ही आपस में ही सब लोग बना लेते हैं, अच्छा भी लगता है ऐसा। और तो अब आटा मारने की तैयारी होगी, यहाँ पर मारेंगे अब आटा। तो साधना आटा मार रही है और रजनी है, आरती दीदी बैठी है यहाँ पर, पानी डालती जा रही है वो, और आटा भी यही बोल दिया था कि हम ही लोग मारेंगे, क्योंकि अगर आदमियों ने गीला आटा मार दिया तो उसकी तो पूरी भी बिल्कुल नहीं अच्छी बनेगी भाई, अच्छी नहीं बनती ना, तो टाइट आटे की ही अच्छी बनती है वो। तो यहाँ पर पूरी बेल रहे हैं, उधर आदमी सेक रहे हैं सामने, यहाँ पर बेल रही है, देखो आदमी सब लोग सेक रहे हैं। ये देवर हैं जो खड़े हुए हैं सबसे छोटे, एक ये है मेरे हस्बैंड और ये है एक, अब वो आरती दीदी है उनके हस्बैंड है, जेठ लगते हैं। तो भाई देखा सब ने साथ में खाना खाया पिया, मैंने खाने की वीडियो नहीं बना पाई थी, कुछ वजह से नहीं बना पाई थी बस ऐसे ही, और मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब भी था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो वीडियो नहीं बनाते हैं, खाना पीना सब हो गया है और टाइम हो रहा अभी 5:45 का टाइम हो रहा है। तो भाई सब्जी तो भाई वास्तव में आदमियों ने अच्छी बनाई थी, टेस्टी थी, ऐसा नहीं है कि बेकार बनी हो, अच्छी बनी थी लेकिन। और आप सबसे मैं पूरे दिन में अब बात कर रही हूँ, क्योंकि भाई लगे पड़े थे इधर उधर काम में, तो इसीलिए टाइम नहीं मिला, थोड़ा फिर लेट गए थे, आराम भी किया था हम लोगों ने। देखो होता है कि भले ही काम ना किया हो फिर भी वही थकावट तो हो ही जाती है थोड़ा बहुत किया हो तो, और गले को पता नहीं क्या हो गया, ठीक हो गया था फिर ऐसा ही हो गया बैठा बैठा सा। तो केसु बाहर खेल रहा है, सब बच्चे और सब लोग छत पर है, मैं भी जाने वाली थी तो मैंने कहा चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ तब जाऊँगी छत पर। तो फिर चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं, कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।